दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सबको पुणे रंजनगांव MIDC के अंदर वॉकइन इंटरव्यू चल रही है। बहुत सारे लोग रंजनगांव सिखरापुर भी जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छी और सस्ती जगह है और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज भी है। इस कारण से बहुत लोगों का पसंद होता है सिखरापुर रंजनगांव में जॉब करना। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबको रंजनगांव में एक बहुत ही अच्छी MNC कंपनी का वॉकइन इंटरव्यू के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहां पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, 25 लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है वॉकइन इंटरव्यू। कौन से डेट में होगी, कितनी सैलरी होगी, सारी डिटेल्स मैं आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे हमेशा नए नए वॉकइन इंटरव्यू, नई रिक्वायरमेंट्स के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। यदि आप जॉब सर्च करने के लिए हमारे चैनल पे आते हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे जरूर फॉलो करें। वहाँ पे भी डेली जॉब्स अपडेट आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो हमारे ये टेलीग्राम का नया हमने चैनल बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया है तो आपके लिए वेट करता हूँ। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर लो, ताकि आपको फ्यूचर में नए नए जॉब्स अपडेट्स के बारे में पता चलते रहे। ठीक है, कर लिया ना सब्सक्राइब, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वॉकइन इंटरव्यू के बारे में बताने वाला हूं, वो भी सिखरापुर लोकेशन में, बहुत ही अच्छी MNC कंपनी में। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो आज जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है वॉकइन इंटरव्यू फॉर ग्रेजुएट पास आउट फॉर आवर पुणे ऑफिस UKB इलेक्ट्रॉनिक्स में, और यहाँ पे 0 से 1 साल के लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है, और वो लोकेशन है पुणे रंजनगांव। 7 अप्रैल से इसकी इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी 9 अप्रैल तक, और इंटरव्यू का जो टाइमिंग होगा 9:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक। यहाँ पे UKB का एड्रेस दिया हुआ है और आपको फुल डिटेल्स बताता हूँ। लुकिंग फॉर फ्रेशर कैंडिडेट चाहिए 2021, 2022, 2023 MCOM, BCOM, डिप्लोमा, BTEC, वेरियस प्रोफाइल। मतलब यहाँ पे आपको MCOM, BCOM, डिप्लोमा और BTEC सारे कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। पास आउट है 2021, 2022, 2023। मतलब अब बहुत सारे कंपनियों ने 2020, 2019, 2018, 2017 वाले कैंडिडेट लेने छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो लोग ओल्ड हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी फ्रेशर जो माना जा रहा है 2021-22 और अभी 23 वाले आने वाले हैं। बहुत सारे कंपनी में एफेयरिंग भी लिया जाता है जो अभी 2023 में पास आउट होने वाले हैं, या फिर उन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, रिजल्ट आना बाकी है, तो एफेयरिंग के रूप में भी आप जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन शेयर योर प्रोफाइल ऑन, यहाँ पे ना CV डालने के लिए ईमेल ID मेंशन किया गया है। आप चाहे तो घर बैठे इस ईमेल ID पे अपनी CV पोस्ट कर सकते हो और ये डायरेक्टली HR को चला जाएगा। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन और R&D पे, क्वालिटी इंस्पेक्शन पे भी है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट है क्वालिटी, सेफ, प्रोडक्शन, R&D, P। रोल होगा आपका ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। मतलब ज़्यादातर आपको प्रोडक्शन में लिया जाएगा और मेंटेनेंस में लिया जाएगा। ये कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है, और डिपार्टमेंट आपको डिपार्टमेंट में रखा जाएगा प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग। एम्प्लॉय टाइप फुल टाइम, परमानेंट। यहाँ पे परमानेंट जॉब का भी ऑप्शन है, जो लोग कंटिन्यू यहाँ पे जॉब करते हैं तो उन्हें परमानेंट लिया जाएगा, चांसेस है यहाँ पे परमानेंट होने का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी हमारे वीडियो को जरूर शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे, फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में।